श्रद्धे हमारे अंतरंग मित्र, इस कॉलेज के फाउंडर आदवी काशीनाथ यादव जी, जिन्हें हम लोग MLC साहब कहते हैं, MLC आप रहे भी हैं और हम सबके लिए तो आज भी हैं, और मेरी मंगल कामनाएं भविष्य में भी होंगे, एवं हमारे देश की भविष्य सामने बैठी हमारी सभी बच्चियां, वाराणसी से अगोरा प्रकाशन के प्रकाशक एवं गांव के लोग, पत्रिका एवं चैनल के मालिक श्रद्धेय राम जी यादव जी, आरा से चलकर आए स्वराई यादव जी, यहाँ विद्यालय के शिक्षकगण, मुझे खुशी हुई इतनी कि मन में ना समाए। हम लोग तो अचानक चले आए आज, ये इस तरह के कार्यक्रम का कोई हम लोग के संज्ञान में था भी नहीं, ना तो कोई जानकारी थी, लेकिन बेहद खुशी हुई यहाँ आकर के। MLC साहब के विद्यालय को देखकर मैं कितना प्रफुल्लित हूँ, मैं शब्दों में इसे व्यक्त नहीं कर सकता। मेरी मंगल कामना है बच्चियाँ जहाँ भी जाएं, इनका भविष्य उज्ज्वल हो, साथ ही इस विद्यालय का नाम रोशन करें। इस विद्यालय के फाउंडर आदरणीय काशीनाथ MLC साहब का नाम रोशन करें कि उनके विद्यालय के निकली ये बच्चियाँ हैं। एक बार तो ज़रूर याद आता है कि ये बच्चा कहाँ से पढ़ा है, कहाँ का प्रोडक्ट है। तो ऐसी स्थिति में काशीनाथ MLC साहब का नाम आएगा, तो मैं पुनः इन बच्चियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। इससे ज़्यादा इस मौके पर मैं और क्या कह सकता हूँ। बहुत बहुत आप सबको मेरा धन्यवाद है, बच्चियों को हृदय से आशीर्वाद है, दिन दोना रात छगुना प्रगति करें मेरी मंगल कामना है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंगल यादव कवि जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं, और आज तो आप अचानक चले आए हैं, अब भविष्य में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा जिसमें आप ना हो, सब में उपस्थित रहेंगे, आपको आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि ऐसे विद्वान लोग, ऐसी विभूतियाँ जब इस कॉलेज में पदार्पण करेंगी तो इस कॉलेज को बुद्धि विवेक ज्ञान दे करके ही जाएंगी। आप आए या ना आए वो कारण अलग हो सकता है, व्यस्तता हो सकती है, परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन इस कॉलेज में कोई भी कार्यक्रम होगा तो आपको निमंत्रण जरूर जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपके पास समय होगा तो आप अवश्य आएंगे। एक और हैसियत यह सुनकर के खुशी होगी आप लोगों को बेटियों, कि मैं किसी हैसियत का आदमी नहीं हूं, लेकिन एक बहुत बड़े पत्रकार, बहुत बड़े पत्रिका के प्रकाशक और बहुत बड़े चैनल के प्रोड्यूसर आदरणीय राम जी यादव जी भी हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। जिसके पास कुछ है ये नहीं है वो कौन सा इंटरव्यू देगा, लेकिन इन्होंने इसलिए नहीं इंटरव्यू लेने के लिए आने का काम किया है, इसलिए किया है कि काशीनाथ जी आप क्या हैं नहीं हैं ये अलग की बात है, आप नहीं भी हैं तो भी हम अपने चैनल के कलम के माध्यम से यह बताने का काम करूंगा कि काशीनाथ बहुत कुछ हैं, नहीं हैं तो भी बहुत कुछ हैं, ये जरूर बताएंगे। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आदरणीय राम जी यादव जी का, और पता नहीं किसके भाग्य से कौन आगे बढ़ता है,
किसी के आगे बढ़ने में कभी भी केवल अपना ही हाथ नहीं होता। न मालूम किसी मित्र की, किसी दोस्त की, किसी शुभचिंतक की, परिवार की, रिश्तेदार की, जाति की, बेजात की, धर्म बिना धर्म की दीवार तोड़ करके पता नहीं किसके भाग्य से कौन आगे बढ़ता है। हम वैसी हुए हैं, उसमें आपका भी हिस्सा हो सकता है। शायद आपकी भी कुछ भाग्य हमारे में लग गई होगी, आपकी शुभचिंता हमारे साथ हो गई होगी। वरना काशीनाथ एमए तक पढ़ा नहीं है, तुम्हें गर्व होगा बेटियों कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो भारत की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कही जाती है, विराह तो छोड़िए, एमए फाइनल में एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में, कवि जी आपके आशीर्वाद से हम कोर्स में आ गए हैं। हम और हमारी विराह के ऊपर सवाल भी पूछा जा रहा है। एमए में, प्राचीन इतिहास में, हमारे पास सब कुछ रखा गया है। हम आज राम जी, यादव जी को देंगे भी। तो ऐसी ऐसी हस्तियां अचानक आप लोगों के बीच में आ गई, तो समझ लीजिए कि सबका आशीर्वाद आपको मिल गया और आने वाला भविष्य आपका उज्जवल होगा ही होगा, इसमें कहीं से रोक नहीं आएगी। हम कहेंगे इस विद्यालय परिवार की तरफ से कि आदरणीय राम जी यादव जी का, जो अपने आप में एक बड़ी हैसियत है, स्टेज पर आदर के साथ ले आकर के उनका सम्मान करने का काम करें। आदरणीय राम जी यादव जी, अब आपके बीच में हमारे बहुत शुभचिंतक, बहुत बड़े पत्रकार, सौभाग्य आपका है हमारा कि आप इस कॉलेज के प्रांगण में, आपके इस कार्यक्रम में आए हैं। आदरणीय राम जी यादव जी से भी निवेदन करूंगा कि दो शब्द इन बच्चों के भविष्य के लिए जरूर इन हमारी छात्र छात्राओं के बीच में रखने का काम करें। आदरणीय राम जी यादव जी, सब लोगों को नमस्कार। आदरणीय काशीनाथ जी से पहली बार मेरा मिलना हो रहा है। ये मौका बहुत दिनों से खोजते खोजते आज मिला है, और आज मैंने उनका जो यह एकेडमिक वैभव देखा है, उससे मुझे लगता है कि जो वे गाते रहे हैं, जो वे लोगों से कहते रहे हैं, उस प्रक्रिया को, उस सपने को साकार उन्होंने कर दिया है। आज दूर देहात के गांवों की सैकड़ों बच्चियां यहां हैं, उनको देखकर कि वो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं, विज्ञान में जा रही आगे, और वो अपने देश में अपनी विभिन्न भूमिकाओं के साथ अलग अलग जगहों पर जाएंगी और जन सेवा का काम करेंगी जितना भी हो सकता है। काशीनाथ जी की यह विनम्रता है कि उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन जो वे हैं, मुझे लगता है विरहे में वो एक अलग अध्याय ही हैं। मैं बनारस के एक नसूरी यादव थे, उनका बहुत घोर प्रशंसक हूँ। मैं विरहे का छोटा मोटा अध्येता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि 90 का वह दशक जब भारत में सामाजिक क्रांति आई हुई थी,
उसका जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वह काशीनाथ जी की आवाज़ के जरिए से देश के कोने कोने में गूंजा और यह विरहे के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनका होना इस कला के सामाजिक सरोकारों की ऊंचाई को दर्शाता है। आज इतनी उम्र में भी वे जिस तरीके से सक्रिय हैं और जिस तरह के सपनों को लेकर चल रहे हैं यह निश्चित रूप से उन्हीं के बस की बात है। वे लगातार बोल रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, लगातार गा रहे हैं और हमारी शुभकामना है कि वे न केवल ऐसे ही बोलें और गाएं बल्कि और भी कुछ संस्थानों की स्थापना करें और तमाम बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं उनको केवल नर्सिंग का या दूसरे तरीके के जो पाठ्यक्रम हैं उनसे तो उनकी पढ़ाई हो ही, लेकिन वे एक बिरहा अकादमी भी बनाएं और इस कला को जो अभी बहुत सारी संभावनाओं से भरी हुई है उसको भी एक बड़ी ऊंचाई तक ले जाएं उनके शिष्य। मैं समझता हूं कि यह होगा। मैं आदरणीय काशीनाथ जी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे उनके जीवन के तमाम सारे पहलुओं के बारे में, उनकी जो यात्रा रही है विरहे की यात्रा और राजनीति की यात्रा और एकेडमी में जो उनका योगदान है उसकी यात्रा, उस पर बात करेंगे। मैं यहाँ से पास होने वाली और लगातार अभी पढ़ रही आने वाले दिनों में फिर इसी तरीके के मंचों पर अपने को अभिव्यक्त करने वाले बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद।